क्या आपको गॉल ब्लैडर के संबंधी अलग अलग तकलीफ है? गॉल ब्लैडर में स्टोन बना हुआ है, इनकी वजह से आपको बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, या फिर आप अपने गॉल ब्लैडर को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह गॉल ब्लैडर के संबंधी सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो, और यह सभी पॉइंट को नियमित दबाते हो तो आप अपने गॉल ब्लैडर को हमेशा हेल्दी रख सकते हो। यहां पर आपको मैं सुजोक थेरेपी के पॉइंट्स सिखाने वाला हूं। सुजोक में सु यानी के हैंड होता है, जोक यानी कि हमारा फुट होता है। सुजोक थेरेपी में हाथ और पैर का इस्तेमाल करके शरीर के सभी रोगों का इलाज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा हाथ है, हाथ में यह हमारा हेड और नेक होता है, यह होता है चेस्ट, यहाँ पर होता है हमारा टमी यानी कि एब्डोमेन, यह दो लेग्स और यह दो हमारे हाथ होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। स्टेप 1 में एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करना है, स्टेप 2 में वह पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है, वहाँ पर मसाज या तो स्टिमुलेशन देना है, स्टेप 3 में वहाँ पर सीड या तो मैग्नेट अप्लाई करना है। यह 3 स्टेप को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपने शरीर के कोई भी रोग का इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही कर सकते हो। इनके अलावा यहां पर आपको 2 रूल्स को खास याद रखना है। रूल नंबर 1, जिस साइड का ऑर्गन है वह हाथ और फुट पर अगर आप इलाज करते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आप ले सकते हो। रूल नंबर 2, जितने हो सके उतने ज्यादा कॉरेस्पोंडेंस एरिया कॉरेस्पोंडेंस पॉइंट्स पर आप ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत ही जल्दी से आप रिजल्ट ले सकते हो। सुजोक थेरेपी के हिसाब से हमारा पूरा बॉडी हमारे हाथ और पैर में होता है, जिनको मेन कॉरेस्पोंडेंस बोला जाता है। इनके अलावा हमारा पूरा बॉडी हमारी सभी फिंगर और सभी टॉज में भी होती है, जिनको इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस बोला जाता है। तो यहां पर अगर आप ये 4 जगह पर यानी कि फुट में मेन और इंसेक्ट, हाथ में मेन और इंसेक्ट, यहां पर आप ट्रीटमेंट करते हो तो बहुत ही बढ़िया आप रिजल्ट ले सकते हो। पर कम से कम आपको 2 जगह पर तो ट्रीटमेंट करनी है तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहां पर पहले हम स्टेप 1 को जान लेते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट कैसे करना है वह सीख लेते हैं। जो हमारा गॉल ब्लैडर है वह लीवर में मिडल पर नीचे की साइड पर इस तरीके से लटका हुआ होता है। लीवर हमारे टमी में जो मिड लाइन होती है, मिड लाइन के राइट साइड पर डायफ्राम के नीचे यहाँ पर होता है, और लीवर के मिडल पर नीचे की साइड पर यहाँ पर हमारा गॉल ब्लैडर होता है। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड और राइट फुट पर इलाज करना है। तो यहाँ पर यह हमारा टमी है यानी कि एब्डोमेन है। एब्डोमेन के लिए हाथ की पोजीशन हमें इस तरीके से रखनी होती है, सभी फिंगर नीचे की डायरेक्शन में होती है। तो यह मिड लाइन है, मिड लाइन के राइट साइड पर डायफ्राम के नीचे यहाँ पर हमारा लीवर होता है, और लीवर में मिडल पर नीचे की साइड पर यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। तो इनको हमें ट्रीटमेंट देनी है। टमी, मिड लाइन, मिड लाइन के राइट साइड पर डायफ्राम के नीचे यहाँ पर लीवर, लीवर के मिडल पर नीचे की साइड पर यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है। तो यह हो गया मेन कॉरेस्पोंडेंस। इंसेक्ट कॉरेस्पोंडेंस के लिए हाथ की पोजीशन हमें इस तरीके से रखनी होती है, सभी फिंगर ऊपर की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी यह फिंगर में आ जाती है, यह हमारा हेड और नेक, यह चेस्ट और यह हमारा एब्डोमेन यानी कि टमी होता है। तो यहाँ पर हमारे एब्डोमेन में मिड लाइन के राइट साइड पर जो डायफ्राम है इनके नीचे यहां पर हमारा लीवर होता है, लीवर के नीचे मिडल पर यहां पर हमारा गॉल ब्लैडर होता है। तो इनको हमें ट्रीटमेंट देनी है। इस तरीके से सभी फिंगर पर हमारा गॉल ब्लैडर यहाँ पर मिलता है। तो सभी पॉइंट्स को हमें अच्छी तरीके से दबाना है, सबसे ज़्यादा टेंडर यानी कि पेनफुल पॉइंट पकड़ लेना है और वहाँ पर इलाज करना। यह टेंडर पॉइंट आपको किसी भी फिंगर में मिल सकता है, एक फिंगर में मिल सकता है या फिर सभी फिंगर में भी मिल सकता है। जहाँ पर आपको मिल रहा है वहाँ पर ट्रीटमेंट देनी है। जितने ज़्यादा एरिया पर आप ट्रीटमेंट दोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यह हो गया स्टेप 1, एग्जैक्ट पॉइंट को हमने
लोकेट कर लिया। स्टेप टू में यह पॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके का एक्यूप्रेशर टूल ले लीजिए। इनसे हमें यह पॉइंट को इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए दबाना है, अच्छी तरीके से दबाना है ताकि आपको हल्का हल्का दर्द होना चाहिए। 2 से 3 मिनट के लिए जितने टेंडर पॉइंट है उनको हमें दबा लेना है। तो यह हो गया हमारा स्टेप टू। स्टेप थ्री में हमें यह पॉइंट्स पर मैग्नेट या तो सीड अप्लाई करना है। मैग्नेट में आप स्टार मैग्नेट ले सकते हो, यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हमारी ट्रीटमेंट हो जाती है। सीड में आप कोई भी पूरे दाने ले सकते हो, मटर के दाने, मूंग के दाने, मेथी के दाने या फिर कोई दूसरे सीड भी ले सकते हो। यहाँ पर हमें स्मॉल साइज के सीड इस्तेमाल करने हैं। सीड को आप एक बार ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो, फिर इनको डिस्कार्ड करना होता है, दूसरी बार हमें नए सीड इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। मैग्नेट या तो सीड को आप दिन में कभी भी लगा सकते हो, पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या फिर रात को लगा दिए, सुबह इनको निकाल दीजिए। दिन में लगा रहो, आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे एक आध मिनट के लिए आप यह सीड को इस तरीके से दबा भी सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो इस तरीके से आप यह सिंपल सी सुजोक थेरापी ट्रीटमेंट करके गॉल ब्लैडर को हेल्दी रख सकते हो, इनके संबंधी जो अलग अलग तकलीफें होती है इसमें फायदा ले सकते हो। अगर आप सुजोक थेरेपी के द्वारा शरीर के सभी रोग का इलाज सीखना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हमने 150 से ज्यादा रोगों का इलाज बताया हुआ है, वहां पर हमने 140 से ज्यादा वीडियोज रखे हुए हैं कि जिनको आप देख के घर बैठे बहुत ही आसानी से सुजोक थेरेपी को सीख के खुद का, परिवार के लोगों का, आसपास के लोगों का इलाज शुरू कर सकते हो। आप अपना खुद का एक सेंटर भी ओपन कर सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।